दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बातचीत करने वाला हूं। भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी रिसेंटली अपने सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 यानी जुलाई अगस्त सितंबर ये तीन महीने का रिपोर्ट यहां पर पब्लिश किया गया। जिस तीन महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से क्या कुछ अच्छा हुआ है उनके साथ और क्या कुछ खराब हुआ है वो डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपको बताएं वोडाफोन आइडिया कंपनी रिसेंटली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडराइज यहां पर किया है और आने वाले टाइम के अंदर भी वोडाफोन आइडिया कंपनी फंडराइज करने वाले हैं, जिससे अपने नेटवर्क स्टेबिलिटी और नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम यहां पर चलेंगे और आने वाले टाइम के अंदर वीआई कंपनी अपने 5G सर्विसेज को भी भारत के अंदर लॉन्च करेंगे। लेकिन ये जो सेकंड क्वार्टर है यहां पर वोडाफोन आइडिया ने क्या कुछ अच्छा किया है क्या कुछ खराब किया है पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। तो पहली बार ऐसा हुआ है भारत के अंदर जहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी सेकेंड क्वार्टर के अंदर काफी अच्छे अच्छे घटना जो वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ हुआ है। मैं एक एक करके सबसे पहले अच्छे घटना के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से क्या कुछ खराब हुआ है उसके बारे में बताऊंगा सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी जुलाई अगस्त सितंबर ये तीन महीने के अंदर। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो वीआई कंपनी के अंदर जो एआरपीयू है वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ चुका है। दोस्तों एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हर एक टेलीकॉम कंपनी के लिए, क्योंकि यही डिटरमाइन करते हैं कि एक कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट या कितना ज्यादा लॉस यहां पर करेंगे। दोस्तों अगर मैं एआरपीयू की बात करता हूं तो इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर 154 रुपए था जो यहां पर बढ़कर 166 रुपए हो गया। मतलब जहां पर इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर ऑन एन एवरेज एक ग्राहक से 154 रुपए कमा रहा था वोडाफोन आइडिया, जो बढ़कर 166 रुपए यहां पर हो चुका है। उसी के साथ अगर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी के रेवेन्यू की बात करता हूं तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर 4% का ग्रोथ जो यहां पर देखा गया। मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहां पर बढ़ा है और ये ऑब्वियस था क्योंकि रिसेंटली वीआई कंपनी की तरफ से प्लान्स का प्राइस है किया गया ऑलमोस्ट 15-25% तक के प्लान्स का प्राइस है किया गया, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो हमें देखने के लिए मिला है वोडाफोन आइडिया कंपनी के रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूं। उसी के साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी के अगर मैं 4G पॉपुलेशन की बात करता हूं तो वीआई कंपनी का जो कैपेसिटी है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो टोटल 4G कैपेसिटी था वो था 1047 मिलियन, जो बढ़कर यहां पर हो चुका है 1064 मिलियन। तो यहां पर भी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखा गया। आपको पता है रिसेंटली वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आया था, भारत के अंदर सबसे बड़ा एपीओ भी लॉन्च किया था, तो वो सारे पैसे को वोडाफोन आइडिया कंपनी सही जगह के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने जो कैपेबिलिटी अपने जो कैपेसिटी है वो यहां पर बढ़ा रहा है वोडाफोन आइडिया कंपनी। उसी के साथ भारत के अंदर जो ब्रॉडबैंड साइट्स है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी ने यहां पर बढ़ाया है। इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर 417,245 था, जो बढ़कर 439,599 यहां पर हो चुका है, तो ये भी काफी बढ़िया बात है। उसी के साथ सबसे बढ़िया बात वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो बैंक डेबिट है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। इससे पहले वाले क्वार्टर के बाद वोडाफोन कंपनी का जो बैंक डेबिट था वो 46.5 बिलियन था, जो कम होकर 32.5 बिलियन हो चुका है। तो यहां पर क्वार्टर ओवर क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं तो काफी बढ़िया तरीके का बैंक डेबिट जो वो यहां पर कम कर पाया है। उसी के साथ साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वोडाफोन आइडिया सिर्फ इसी क्वार्टर के अंदर 42,000 यानी 42,000 नया 4G साइट्स को यहां पर डिप्लॉय किया है, जो इससे पहले रिसेंट टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया ने कर नहीं पाया था। लेकिन अभी के क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया 42,000 नया 4G साइट्स को यहां पर डिप्लॉय किया है। साथ में वोडाफोन आइडिया कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो उनकी तरफ से बताया गया कि ये जो 900 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम बैंड जो 17 प्रायोरिटी सर्कल है वोडाफोन आइडिया के अंदर, उसके अंदर 16 प्रायोरिटी सर्कल के अंदर 900 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम बैंड को डिप्लॉय किया है। टोटल अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो 20,500 साइट्स है जहां पर 900 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड को डिप्लॉय किया गया है। 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड की अगर मैं बात करता हूं तो 21,200 साइट्स के अंदर डिप्लॉय किया है। उसी के साथ साथ सबसे बढ़िया बात की वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो कैपेक्स है वो पहले वाले क्वार्टर से काफी ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं पिछले वाले क्वार्टर की बात करता हूं तो उस जगह अंदर कैपेक्स था 7.6 बिलियन जो बढ़कर 13.6 बिलियन हो चुका है और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो टारगेट है कि जो कैपेक्स है वो 80 बिलियन तक जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना ज्यादा जो है वोडाफोन आइडिया का कैपेक्स यहां पर होने वाला है और ये फंडराइज के ऊपर तो डेफिनेटली डिपेंड करते हैं, तो ये वोडाफोन आइडिया कंपनी को एक नए ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। उसी के साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के अंदर 19,700 3G टावर्स को यहां पर कंप्लीटली शट डाउन किया है और वो सारे स्पेक्ट्रम को 4G पर अपग्रेड कर दिया है। उसी के साथ आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया का जो टोटल 17 प्रायोरिटी सर्कल से जहां पर सिर्फ 8 सर्कल के अंदर 3G सर्विसेज है, बाकी हर एक जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी ने 3G सर्विसेज को शट डाउन कर लिया है। उसी के साथ वीआई कंपनी के अगर मैं पोस्टपेड यूजर्स की बात करता हूं वो यहां पर बढ़ चुका है 0.4 मिलियन यानी 4 लाख, जहां पर आज के डेट के अंदर टोटल जो पोस्टपेड ग्राहक का अमाउंट है वो है 24.5 मिलियन, जो काफी बढ़िया बात है। उसी के साथ अगर मैं खराब बात की बात करता हूं, मतलब अभी तक जो मैंने बात किया वो अच्छे खबर के बारे में बात किया कि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने क्या कुछ अच्छा चीज किया, लेकिन अगर मैं खराब चीज की बात करता हूं तो इस जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया का जो लिस्ट
अनलिस्ट है वो कम बिल्कुल भी नहीं है। वीआई कंपनी का अगर मैं लॉस की बात करता हूँ वो पहले से तो कम हुआ है लेकिन अभी भी लॉस कर रहा है। इस क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया ने लॉस किया है 7,184 करोड़ रुपये, जो भी है काफ़ी बड़ा रकम है। उसी के साथ अगर मैं 4G 5G यूजर्स की बात करता हूँ तो यूजर बेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर 126.7 मिलियन था, जो कम होकर 125.4 मिलियन यहाँ पर हो चुका है। उसी के साथ अगर मैं टोटल सब्सक्राइबर बेस की बात करता हूँ वो भी यहाँ पर कम हो चुका है। इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर 210 मिलियन था, जो कम होकर 205 मिलियन हो चुका है। और अगर मैं एक्टिव सब्सक्राइबर की बात करता हूँ वो 188.3 मिलियन था इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर, जो कम होकर 179.5 मिलियन यहाँ पर हो चुका है। मतलब 8.8 मिलियन का एक्टिव सब्सक्राइबर का लॉस जो वो वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर देखने के लिए मिला है। अगर मैं सब्सक्राइबर चार्न रेट की बात करता हूँ, जो पहले 4% था वो बढ़कर 4.5% हो चुका है। तो ये सारे खराब चीज जो वो वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ हुआ है। तो आज के डेट के अंदर वीआई कंपनी को अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली उन्हें 5G सर्विसेज को लॉन्च करना होगा। आपने से ये जो सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है इसे कुछ ना कुछ तरीके से वोडाफोन आइडिया कंपनी को रोकना होगा। बाकी जो काम है वोडाफोन आइडिया कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है, अभी आने वाले टाइम के अंदर उसका झलक जो हमें डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे उससे मिलेगा तो ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।